Another procedure for analyzing circuits is mesh analysis. Mesh analysis जो है इसमें circuit variables mesh currents हैं. So हम mesh currents find करेंगे. एक तो convenient होगा इससे and second is के number of simultaneous equations कम हो जाएंगी जो हमें solve करनी है to find the circuit variables. Now let's draw the circuit first. Now because mesh analysis is a systematic application of Kirchhoff's voltage law, so हम फिलहाल सर्किट में वोल्टेज सोर्सेज ले रहे हैं और करंट सोर्सेज नहीं ले रहे. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मेश एनालिसिस विद करंट सोर्सेज, लेकिन इस वीडियो में सिंपलिसिटी के लिए और कन्वीनियंस और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ वोल्टेज सोर्सेज ले रहे हैं. नाउ वी गो थ्रू स्टेप वाइज टू सॉल्व द सर्किट. स्टेप वन इज असाइन मेश करंट्स, क्लैरिटी विल बी लाइक दिस. जो रेजिस्टर के एंड वोल्टेज के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है वो पॉजिटिव एंड होगा. नाउ दिस इज मेश वन एंड मेश करंट हमने असाइन करने हैं, लेट इट बी आई वन. सो देयर इज एन अदर मेश, मेश टू, एंड लेट इट बी आई टू. द करंट फ्लोइंग इन मेश टू इज आई टू. नो हमने मेश करंट फाइंड करने हैं आई वन एंड आई टू. स्टेप टू इज अप्लाई Kirchhoff's वोल्टेज लॉ KVL टू ईच ऑफ द मेश. सो वी हैव टू मेशेस आई वन एंड आई टू, करंट्स आर फ्लोइंग इन द मेशेस एंड मेश एनालिसिस एप्लीकेशन है Kirchhoff's वोल्टेज लॉ की. सो हम KVL अप्लाई करेंगे टू बोथ द मेशेस. नाउ एट मेश वन करंट इज फ्लोइंग from here minus 12 plus B is equal to IR by Ohm's law. So I is I1 and 2 is resistance. Now 12 ohm resistance is common to both the meshes, mesh 1 and mesh 2. Jo current I1 pass kar raha hai is resist 12 ohm resistance se, usko hum positive lenge. Aur jo I2 pass kar raha hai 12 ohm resistance se, uski direction opposite hai, so usko hum minus kar denge. 12 I1 माइनस I2, यानी करंट I2 जो पास कर रहा था 12 ओम रेजिस्टेंस से वो माइनस कर दिया है. सिमिलरली प्लस 4 I1 इज इक्वल टू 0. नो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. री राइट इट और सिंप्लीफाई इट. 12 I1 माइनस 12 I2 प्लस 4 I1. अब मेश वन का जो करंट है आई वन वो एड हो रहे हैं सब, और जो आई टू है मेश टू का जो करंट है वो माइनस हो रहा है, यानी माइनस आई टू. नो 12 से अगर हम डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, देन इट विल बी, नो दिस इज द फाइनलाइज्ड फॉर्म आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अबव इक्वेशन. Let it be equation 1, mesh 2, start from the voltage, plus 6, plus 3 I2, and plus 12 I2 minus I1, and plus 9 I2 is equal to 0. Now we see that jo current I2 hai, wo positive aa raha hai. और जो मेश वन की वजह से करंट फ्लो कर रहा है कोई भी वो उसको हम माइनस कर रहे हैं उसको. नो थर्ड स्टेप इज सॉल्व नो सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. फर्स्ट दिस इज इक्वेशन टू. Now we get two equations, equation 1 and equation 2. And in third step, we solve these two equations to obtain mesh currents. So, yahan pe variables I1 and I2 hain. So, humne dono mesh currents I1 and I2 find karne. Now, agar hum equation 1 ko multiply kar dein by 24, to yahan pe I2 jo hai wo minus 24 aa jayega, like this.
एंड वी सी कि इक्वेशन टू में हमारे पास -24 i2 है, सो इक्वेशन वन को हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी हमारे पास -24 i2 आ गया. नाउ दिस इज इक्वेशन थ्री. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन टू, 12 i1 - 24 i2 इज इक्वल टू 6. नाउ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो साइन चेंज हो जाएगा एंड ये कैंसिल हो गया, सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ i1. Now i1 is 18 over 24, which is 3 over 4 amperes. So we get one variable, that is mesh current i1. And now to find mesh current for second mesh, which is i2, we put the value of i1 in equation 2 to get the value of i2. So i1 is 3 over 4. -24 i2 is equal to 6. So i2 will be 1 over 8 amperes. This is i2 for mesh 2. There were two meshes in the circuit with currents i1 and i2, and we found both the variables.